अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, थ्री क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मूव टू द लेक्चर नंबर 11 एंड ओपन द पेज नंबर 31। ओके, इन दिस पेज वी विल लर्न अबाउट द एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर, एडिशन विदाउट कैरिंग। ठीक है, वी विल ऐड फोर डिजिट नंबर इन द सेम वे एज वी ऐड द नंबर ऑफ 1, 2 और 3 डिजिट्स। हम वैसे ही 4 डिजिट नंबर को भी ऐड करते हैं जैसे हम 1, 2 और 3 डिजिट्स को ऐड करते हैं। वी विल ऐड वंस विद वंस, टेंस विद टेंस, हंड्रेड्स विद हंड्रेड्स एंड सो ऑन, थाउजेंड्स विद थाउजेंड्स। ओके, बिगन फ्रॉम द राइट साइड। वंस प्लेस, एट वन प्लेस, 1 + 5 इट विल बिकम द नंबर इज 6। ऐड करेंगे हम 5 और 1 को तो सिंपल हमारे पास क्या डिजिट आ जाएगा, 6। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, टेंथ प्लेस, 5 + 0। अब देखिए यहाँ पे 5 में अगर हम 0 ऐड करते हैं, ये हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई है, जिसमें हमने क्या किया है, 5 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या डिजिट आ जाएगा। अगर हमारे पास कोई भी डिजिट 0 में ऐड होता है तो इटसेल्फ वही डिजिट हमारे पास अगेन आ जाता है। जैसे कि 5 + 0, 0 की अपनी कोई रिमेनिंग वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास इटसेल्फ यही नंबर अगेन आ जाएगा, 5 + 0, 5। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट प्लेस, 100 प्लेस, 2 + 4, 6। नेक्स्ट, 3 + 4 इट विल बिकम द नंबर इज 7656। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 + 0, अगेन 0 वाली प्रॉपर्टी, वो हमारी एडिशन प्रॉपर्टी हो गई यूज। 9 + 0, 9, इट्सेल्फ हमारे पास रिमेनिंग वही डिजिट आ जाता है एडिशन में, 9 + 0, 9। अगर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस भी होता तो उसमें भी सेम यही हो जाना था कि अगर एडिशन में हमारे पास 0 में कोई वैल्यू ऐड हो रही है या 0 में से कोई वैल्यू 0 में से ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो फिर वो अगेन हमारे पास वही डिजिट आ जाता है। किसी वैल्यू में से जब कोई 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो अगेन वही हमारे पास डिजिट आ जाता है। ठीक है, 4 + 2, 6, 1 + 5, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 + 3 एट वन प्लेस, क्या डिजिट है हमारे पास, 4 और 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। 2 + 1, 3, 4 + 3 इट विल बिकम द नंबर इज 7, 5 + 4, 9। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने सारे खुद सॉल्व करने हैं अपने पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज नंबर 32। ओके, इन दिस पेज फर्स्टली वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स। ठीक है, फर्स्टली हमें इन नंबर्स को अरेंज करना होगा, देन हम उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी विदाउट कैरिंग हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसको हमने कैसे करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज दी हुई हैं 5 1 2 2 5 4 5 3 1 3 1। ठीक है, अगर हम अब देखिए, फर्स्ट वैल्यू थी हमारे पास 5 1 2 2, इसको राइट साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से इस साइड से हमने मूव करना है। ठीक है, 2 2 5 1, वंस प्लेस पे 2, टेंथ प्लेस पे भी 2 हमारे पास, 100 प्लेस पे 1 एंड 5000 प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है ना, इट्स मीन वंस टेंस करें तो 2 वंस प्लेस पे, ये वाला 2 टेंथ प्लेस पे, 100 प्लेस पे 1 एंड 1000 प्लेस पे 5। नेक्स्ट देखिए वैल्यू डिजिट हमारे पास क्या आ रही हैं, 5 4 एंड 5, राइट साइड से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, 5 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास 4 डिजिट्स थे,
नेक्स्ट में 3 डिजिट्स हैं, तो आपने राइट साइड से लिखना स्टार्ट नहीं कर लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट नहीं करना, राइट साइड से स्टार्ट करना है। वो इसलिए कि अगर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया 5 4 5 तो वंस प्लेस हमारा खाली रह जाएगा, एम्प्टी होगा, जो कि वंस प्लेस हमारा एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, किसी भी सूरत में। अगर एक डिजिट भी होगा हमारे पास तो वो वंस प्लेस पे आ जाएगा, टेंथ प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस रिमेनिंग रहेंगी एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 1 3 1, तो राइट साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 1 प्लेस पे हमारे पास 1 आ गया, 10th प्लेस पे हमारे पास 3 आ गया एंड 1 हमारे पास 100 प्लेस पे, एंड दिस 1 रिमेनिंग डिजिट इज एट द प्लेस ऑफ 1000। ओके, हमारा क्वेश्चन अरेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर्स की प्रीवियस पेज की तरह हमने वन साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से, ठीक है, ऐड करते हैं हम वंस प्लेस पे, देखते हैं क्या डिजिट है हमारे पास, 2 + 5 = 7 + 1 = 8, ठीक है। यहाँ पे हम इन बॉक्सेस में इनको ऐड करके लिखते हैं, ठीक है, 2 + 4 = 6 and 6 + 3 इट विल बिकम द नंबर इज 9, 1 + 5 = 6 + 1 = 7। ओके स्टूडेंट्स, 5 + 3, अब ये देखें ये वाला बॉक्स हमारे पास एम्प्टी है क्योंकि ये 100 प्लेस तक ही जा रहा था, तो यहाँ पे कोई डिजिट कोई नंबर नहीं आएगा, ओनली हमारे पास 1000 प्लेस पे 2 डिजिट्स हैं 5 and 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ऐड करने के बाद नंबर 8। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, उसी तरह से सेम प्रोसेस में ऐड करते हैं, अगर हम अरेंज करते हैं फर्स्टली फर्स्ट डिजिट वैल्यू है हमारे पास 4152, राइट साइड से हम क्या करेंगे इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, वंस प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा डिजिट 2, टेंथ प्लेस पे 5, 100 प्लेस पे 1 एंड 1000 प्लेस पे 4। सेम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे सेम प्रोसेस के साथ 5 3 एंड 7। नेक्स्ट देखें 0 0 एंड 1 एंड 2। ओके स्टूडेंट्स, अरेंज करना आ गया सबको, अब इसको हमने क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, वंस प्लेस पे ऐड करते हैं 2 + 5, अब देखें 2 + 5 = 7, 7 + 0 = 7, 5 + 3 = 8 एंड 8 + 0 = 8, 1 + 7 = 8 एंड 8 + 1 इट विल बिकम द नंबर इज 9, 4 + 2 = 6। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारा क्लियर है ये पेज, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं अंडर द पेरेंट्स अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।